लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। आपका कहना है कि मौसी ज्येष्ठा और मामी लक्ष्मी एक साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। हम करेंगे इस आक्रमण का सामना, तुम अपनी योजना पूर्ण करो, जाओ। ज्ञात नहीं हम कब तक इस आक्रमण को रोक सकेंगे। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। देवी पार्वती के जाने पर शक्ति खोई थी हमने, किंतु सौभाग्य और विजय की स्रोत मंगल स्वरूपा देवी लक्ष्मी हमारे साथ थी, इसलिए उनके रहने तक हम असुरों से लड़ पा रहे थे। किंतु अब देवी लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी शक्तिहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भीतर से खोखले हो चुके हैं हम। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। ज्येष्ठा लक्ष्मी मामा जी? हाँ पुत्र, ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। ये उस समय की बात है जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। लगता है इस मंथन का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने ही वाला है। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से बाहर आने के पूर्व उन्हीं का दूसरा प्रतिरूप ज्येष्ठा बाहर आई, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक थी। उसके पश्चात सागर से देवी लक्ष्मी बाहर आई। लक्ष्मी का वास तो बैकुंठ हो गया, किंतु ज्येष्ठा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के तिरस्कार के बाद अब मुझसे विवाह कौन करेगा? तब दूसरा नामक एक ऋषि ने ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। किंतु जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। ईश्वर का नाम तक नहीं लिया जाता, कोई पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ऋषि दुसह भी दुखी हो गए और ज्येष्ठा का त्याग कर पाताल लोक में जाकर रहने लगे। जब ज्येष्ठा ने पुनः प्रश्न पूछा कि अब उनका क्या होगा, तब मैंने ज्येष्ठा को वरदान दिया कि जो पूजा पाठ नहीं करते, अधर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका धन, उनकी स्मृति सभी ज्येष्ठा का आहार बनेंगे। और तब से सदा अधर्मियों की ताक में रहती है ज्येष्ठा। अर्थात ज्येष्ठा मामी जी के विपरीत है। जहाँ ज्येष्ठा का वास होगा, वहाँ दुर्भाग्य की छाया रहेगी और वहाँ सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी नहीं रह सकती। किंतु यदि उन्हें यहाँ ले आए तो? अद्भुत है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये युक्ति। यदि ज्येष्ठा को यहाँ लाने में सफल हो गए तो देवी लक्ष्मी अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाएंगी। हम सभी पुनः श्रीयुक्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य जागृत होगा और हमारे शत्रुओं का दुर्भाग्य। किंतु ये तुम संभव कैसे करोगे गणेश? ज्येष्ठा का द्वेष है देवी लक्ष्मी से, वो यहाँ कदापि नहीं आएंगी। और अधिक विस्तार का इंपान। शक्ति तो क्षीण पड़ती जा रही है, फिर मैं इन्हें युद्ध में इस प्रकार एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुत्र, समय नहीं है, जो भी करना है शीघ्र करना है। तुम शीघ्र जाकर ज्येष्ठा को लेकर आओ। यदि हम अभी श्रीयुक्त नहीं हुए तो सभी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। जाओ पुत्र, जाओ। किंतु अंधकासुर के ये आक्रमण? पुत्र, हम करेंगे इस आक्रमण का सामना, तुम अपनी योजना पूर्ण करो, जाओ। उचित है पिताश्री। मूषक जी, शीघ्र आइए। चलिए।
वहाँ जा तो रहे हैं, हम ढूंढ क्या रहे हैं? वो स्थान मूषक जी जहाँ अधर्म और अशौच ही जीवन का आधार हो, जहाँ ज्येष्ठा मौसी का वास हो। किंतु प्रभु, ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा हमें? उनका स्थान तो अंधकारी पाताल ही है, किंतु अब तो माता लक्ष्मी वहाँ स्थित है। जहाँ स्वच्छता और नैतिकता का अभाव हो, वहाँ मिलेंगी ज्येष्ठा मौसी। मूषक जी, ऐसे स्थान को ढूंढने में ही हमारी सुरक्षा निहित है। ज्येष्ठा मौसी को ढूंढ कर ही रुकेंगे हम। प्रभु, कैलाश के तो कणकण में पवित्रता का वास है, इसलिए वहाँ तो ज्येष्ठा मौसी का होना असंभव है। वैकुंठ, और मामी जी के वैकुंठ त्यागने पर भी वैकुंठ माता गंगा के समान पवित्र है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक, किंतु ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती की पवित्रता है और ब्रह्मदेव का वेद पाठ भी गूंजता है, इसलिए यहाँ देखना भी व्यर्थ है। हाँ प्रभु। सूर्यलोक में सूर्य देव का तेज है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। और चंद्रलोक में तो चंद्रदेव की शीतल किरणें। इंद्रलोक में अमृत स्थित है, इन लोकों में तो नहीं हो सकती ज्येष्ठा मौसी। हाँ प्रभु। मूषक जी, पृथ्वी पर ही संभव है ऐसा स्थान, चलिए पृथ्वी की ओर। जी प्रभु। जहाँ यज्ञ, हवन, संध्या वंदन, वेद पाठ आदि होता हो, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। शीघ्रता करो, हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जहाँ देवता, अतिथि, गौ की पूजा होती है, जहाँ बालकों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। जिन स्थानों में विष्णु भक्त और शिव भक्त रहते हैं, वैसे स्थानों में भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। चलिए मूषक जी। मूषक जी। जी प्रभु। ये स्थान ज्येष्ठा मौसी की वास के अनुकूल प्रतीत हो रहा है, चलिए मूषक जी। अत्य
भयन दुर्गंध है यहाँ। यहाँ निकट ही हो सकती है ज्येष्ठा मौसी, मुझे देखना होगा। किंतु कहाँ हो सकती है? वहां कोई है? मासी, किसकी मासी? कौन हो तुम? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मौसी, उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। मौसी, वो मैं माता लक्ष्मी की बहन है ना? सत्य है, हूँ लक्ष्मी की बहन। तो उससे क्या? हा? माता लक्ष्मी मेरी मामी है, तो आप मेरी मौसी हुई ना? जो भी है, मैं तुम्हें मेरी स्मरण मुद्रा याद है कुछ नहीं दूंगी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। ज्येष्ठा मौसी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम गई नहीं? हाँ? क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ? और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैं तो बस मौसी, किंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? मूषक जी, मैंने कहा था ना मूषक जी, ज्येष्ठा देवी कहीं अधिक सुंदर है। नहीं नहीं प्रभु, माता लक्ष्मी की तुलना में इनकी सुंदरता कुछ नहीं। आप शांत रहिए मूषक जी, आप ठहरे मात्र मूषक, आप भला कहाँ पर रख सकेंगे इनकी सुंदरता? हाँ, उचित है, इस मूषक को कहाँ सुंदरता की परख? हाँ मौसी, मैं भी तो यही बोल रहा था। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आप अधिक सुंदर हैं, किंतु इन मूषक जी के समान सभी को लगता है कि मामी देवी लक्ष्मी अधिक सुंदर है। अब ये मैं कैसे समझाऊँ सभी को? हाँ मौसी, इसका तो एक ही उपाय है कि आप मेरे साथ चलें। मामी देवी लक्ष्मी और आप एक दूसरे के समक्ष आएं, तो ये सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं? और कहाँ? पाताल मौसी। पाताल? किंतु लक्ष्मी का स्थान तो वैकुंठ में है। हाँ, वो वैकुंठ में वास करती थी। समझ गई, वैकुंठ से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पाताल पर भी अपना अधिकार जमाने आ गई है वो। अब महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं होती मौसी, किंतु आप चलिए ना मेरे साथ। वैकुंठ उसका, तो क्या पाताल भी उसका हो जाएगा? नहीं, पाताल पर केवल मेरा अधिकार है और सदा मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं उसके निकट जाऊंगी तो वह स्वयं ही पीछे हट जाएगी। नहीं मौसी, ऐसे थोड़ी कहीं जा सकती है वो। मेरी मामी है, उनको समझाऊंगा मैं, आप तो चलिए। उससे कहीं अधिक सुंदर और मंगलमय हूँ मैं, याद है मुझे। किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सर्वथा उचित कह रही है आप मौसी, किंतु अभी तो अवसर है उन्हें सत्य से परिचित करवाने का, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये प्रमाणित करने का कि आप माता लक्ष्मी से कहीं अधिक उत्तम हैं। और हाँ,
देव देवियों की गणना में भी आपका उचित स्थान होना चाहिए मौसी। उचित है, किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं कब, कहां और कैसे जाना चाहूंगी। युक्ति तो कार्य कर गई, अब बस मौसी ज्येष्ठा को वहां तक ले जाने की देर है, ताकि देवासुर संग्राम में अंधकासुर के असुरों को उचित पाठ पढ़ाया जा सके। गंधर्व सैनिकों, मैं हस्ती हस्ती मिटा दूंगा तुम्हारी। शक्तिहीन हो रहे हैं त्रिदेव, शीघ्र ही खंडित होगा ये दिव्य कवच। फिर सभी देवता बनेंगे अंधक के बंधक। पुत्र गणेश, अनाथ होने को है, शीघ्रता करो। कहाँ हो तुम? निकट है, अत्यंत निकट है विष्णुदेव। ये क्या, इस युद्ध स्थल पर मुझे क्यों ले आए हो? मौसी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये युद्ध माता लक्ष्मी के लिए ही हो रहा है। हाँ हाँ, उचित है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अवश्य अपने गर्व के लिए देवासुर संग्राम करवा रही है वो, किंतु है कहाँ वो? मामी जी तो राजभवन के भीतर है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। छोड़ दिया देवता। आगे बढ़िए मौसी, आगे बढ़िए। लक्ष्मी को अपने निकट इतनी चकाचौंध क्यों पसंद है? कहाँ है वो? मामी जी तो उस बंद द्वार के पीछे है। रुको! तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये बुढ़िया कौन है? मूर्ख! बुढ़िया किसका बोला तुमने? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इन्होंने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया, इसका उचित दंड देता हूँ इन्हें। अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता, मुझे शीघ्र देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौटाने के लिए मामी जी को पूर्ववत और मौसी ज्येष्ठा को उनके स्थान पर स्थित करना होगा, किंतु इससे पूर्व इन असुरों को मार्ग से हटाना पड़ेगा। मामी जी निकट आ रही हैं, श्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो रही है। दुष्ट असुरों, मेरी मौसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करोगे तो ये लो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एक को तो पाठ पढ़ा दिया, अब दूसरे की बारी। मैं साक्षात काल हूं तुम्हारा। रुकूंगा नहीं मैं देवराज, तुम पर होने वाले प्रहार रुकेंगे नहीं। अब भी कुछ शक्ति शेष है तुम में देवराज, किंतु उसका भी उपाय है मेरे पास। थक रहा हूं मैं, तो मुझे इसका अंत करना ही होगा। बस कुछ क्षण और, इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाकर मैं उस कार्य में लग जाऊंगा जिस कार्य से देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौट आएगी। देवराज,
अरे इस पर तो मैंने अभी तक कोई प्रहार ही नहीं किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम तो मुझे ज्ञात है, किंतु बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे नियम तो उन्हीं के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कर्म और उपस्थिति दरिद्रता के निकट हो। प्रतीत होता है ये स्थान दरिद्रता के समान अनुकूल है। बहुत विलंब हो चुका है गणेश, अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। समस्या या परिस्थिति कितनी भी विकराल हो, उसका हल उसके भीतर ही छिपा होता है। आवश्यकता है उसे समझने की।